मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के गांवदेवी इलाके में घर में मियां बीवी सोते रहे और खिड़की का लॉक तोड़कर चोर ने हाथ साफ कर दिया। ये चोरी गांवदेवी के जोहरा चाल में रहने वाले बिलाल के घर में हुई है। बिलाल ट्रेनों में एयरफोन, चार्जर, पावर बैंक बेचते हैं। रात के समय बिलाल और उनकी बीवी घर में सो रहे थे। खिड़की का लॉक तोड़कर चोर घर में घुस गया और ये दोनों मियां बीवी सोते रहे। लगभग 24,000 कीमत का मोबाइल फ़ोन और लगभग 15,000 से 20,000 रुपये कीमत का बेचने वाला सामान जैसे पावर बैंक, एयरफोन वगैरह पर चोर ने हाथ साफ कर दिया है। मगर जब ये लोग मुमरा पुलिस स्टेशन में घर में हुई चोरी की शिकायत करने के लिए बिलाल और उनके भाई नदीम पहुंचे तो पुलिस ने इनकी मिसिंग रिपोर्ट ली और रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि गांवदेवी से बाइक पर ये मुमरा रेलवे स्टेशन जा रहे थे और रास्ते में मोबाइल गिर गया। कहां गिरा इसको इनकी जानकारी नहीं है। अब बताइए कि चोरी हुई है घर की खिड़की का लॉक तोड़कर और ली जा रही है मिसिंग रिपोर्ट। बिलाल के भाई नदीम ने बताया कि जबकि पुलिस खुद चोरी की घटना के बाद घर पर आई, जिसके बाद भी ये हाल है कि सिर्फ मिसिंग रिपोर्ट ली जा रही है। बिलाल के भाई नदीम ने इस पूरे मामले में क्या जानकारी दी है, सुनो। क्या नाम है आपका और आप कहाँ रहते हैं? नदीम सिकंदरपुरी से नाम मेरा और मैं गांवदेवी बाईपास बाईपास रोड पर रहता हूँ। क्या हुआ पूरा मामला? मेरा छोटा भाई है, उसके घर का खिड़की खोल के मोबाइल। और भाई क्या नाम है उसका? बिलाल सिकंदरपुरी। अच्छा, ये आपके पीछे ये पीछे जो पड़ा है मेरा भाई है, उसके घर से 24,990 का मोबाइल और कम से कम 25,000 से 30,000 का उसका एयरफोन वगैरह हम लोग ट्रेन में सेल करते, वो सब सामान चोरी हुआ। हम लोग सुबह 11 बजे पुलिस चौकी में, मुमरा पुलिस चौकी में FIR कराने के लिए, तो हम लोग को पहले FIR करेगा आपकी और हम लोग को FIR नहीं दे बल्कि NC कॉपी दी और इसमें लिखा है कि आपका मोबाइल मिसिंग हुआ है फिर गांवदेवी से लेके मुमरा पुलिस अपना मुमरा स्टेशन तक। तो हम लोग आए, हम लोग ने बोले मैडम हम लोग का मिसिंग नहीं, हम लोग को FIR चाहिए। तो हम लोग का लेटर जो दिए थे वो फिर से रिटर्न दिया गांवदेवी से मुमरा पुलिस चौकी रेलवे स्टेशन तक। मिसिंग की है, मिसिंग हुआ यानी गिर गया किधर पे? मतलब तुम वहाँ से जा रहे थे और गिर जा रहे थे, गिर गए। बल्कि दो पुलिस वाले हम लोग के घर पे आके इंक्वायरी किए, वो लोग के फिंगर है जो आया था, चोर आया था, चोर के हाथ के और पैर के निशान है। अगर चोरी नहीं हुआ था घर फोड़ी करके गए ले लोग, तो पुलिस कैसा आती है घर पे? तो पुलिस आई थी घर, दो पुलिस आई थी, उसके बावजूद लोग ने चोरी। हम लोग सब सोए थे, मतलब दो भाई है, भाभी है और छोटी बच्ची है, वो लोग सोए थे। तो चोर ने क्या पता कैसा स्कूल से कैसा खोल के ले गया, किसको पता नहीं। हम लोग जाने का था 3:30 बजे, खिलकी 3:30 बजे काम पे जाने का था, तो कहता गहरे नींद में रहते, 3 से 4 के बीच में। तो बाद में काम पे जाने के लिए उठ के देख रहे तो खिड़की खुली है और कबाड़ और पीछे दो दरवाजे, तो दरवाज़ा खुला है। तो उसके बाद हम लोग सब लोग चारों में, तो जितने हम लोग फैमिली सब उठ के देख रहे हैं, वो तो कुछ पता नहीं चल रहा हम लोग को चोर किधर है। सब ढूंढते मंदिर में जाके देखे, मंदिर पे भी है। आके 11 बजे हम लोग इधर आए तो 11 से अभी 1:30 बज गए। वो लोग ने FIR बोले और हम लोग NC कॉपी दिए लोग, वो भी ये लिखे ले इसमें कि गांवदेवी मंदिर से लेके रेलवे स्टेशन तक इधर आपका मिसिंग हुआ है, बल्कि हम लोग का घर फोड़ी हुआ है और घर घर का खिड़की तोड़ के घर का खिड़की पुलिस भी घर पे आके, पुलिस भी दो पुलिस घर पे आके गई। उसके बाद NC लिए, NC नहीं लिए, मिसिंग का लिए होगी। अब मिसिंग का अगर NC लेते तो घर पे पुलिस वाले कह के ले आते थे। अच्छा ये बताइए कि जो चोरी हुआ है इसमें मोबाइल कौन सा था? मोबाइल वीवो ये है, जिसका मॉडल नंबर है मोबाइल का 24,990 का मोबाइल है। और इसके अलावा और क्या सेल क्या करते थे ट्रेन? एयरफोन, चार्जर वगैरह हम लोग ट्रेन में सेल करते थे। और इसके अलावा मोबाइल बैग के अंदर 6,000 रुपये कैश भी था, वो सब तो कुछ नहीं लिखा है। पुलिस को ये सब बताए थे आप? सब कुछ बताया, मगर ये लोग ने बताया कि चोरी हुआ है हमारे घर में, आप क्यों ऐसा मिसिंग का लिख रहे हैं, सब बोला आपने? जी सब लिखा है। क्या बोले उन लोगों? उन लोगों ने बोले आपको FIR करा के दे देंगे। हम लोग FIR नहीं दे बल्कि हम लोग NC कॉपी दी, वो भी इसमें दूसरा उल्टा कुछ लिखे ले, इसीलिए आपने बताया वो नहीं लिखा गया? नहीं लिखा गया, इसके लिए मुमरा पुलिस चौकी में आने का दिल नहीं होता है। कोई भी कुछ भी हो जाए, पहले भी एक दो बार ऐसा हुआ है, आए थे कुछ लिए ना, NC लिए ना कुछ लिए, ऐसे रिटर्न भेज देते हैं। ये जो भी है अभी आपके ऊपर ही है, हम लोग का मोबाइल मिलना चाहिए और इंसान मिलना चाहिए।